प्रदेश बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस द्वारा टीका टिप्पणियों का दौर जारी हो गया है। हमीरपुर जिला के बड़सर से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। लखनपाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने अधिकारियों के प्रति गंदी सोच पैदा की है, जिससे अफसरशाही परेशान है। उन्होंने कहा कि सीएम कभी धूमल तो कभी नड्डा के दबाव में काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनता त्रस्त है। इंद्रदत्त लखनपाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार केवल आज कांग्रेस पार्टी की आलोचना करने में लगी है और बीजेपी के 100 दिन के काम भी फ्लॉप रहे हैं। लखनपाल ने कहा कि आज बीजेपी सरकार ने केसीसी बैंक का बोर्ड आनन फानन में भंग किया है, जो कि पूर्णतः गलत है। और मुख्यमंत्री की स्थिति तो ये है कि वो कभी धूमल छाप के प्रेशर में काम हो रहा है, कहीं पर नड्डा जी का प्रेशर साफ नजर देखने को आ रहा है, कहीं आरएसएस का जो एक दबाव है सरकार के अंदर वो सामने देखने को आ रहा है। और जो आम जनता को जो सरकार से एक उम्मीद थी कि उन्हें न्याय मिलेगा, उस तरफ कदम में कोई कदम सरकार नहीं उठा रही है। केवल मात्र झूठी घोषणाएं करके और कांग्रेस पार्टी के को का विरोध करके, उनकी आलोचनाएं करके वो अपनी जो है हित साधना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। और कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन उनके देख लिए हैं और कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में भी पूरी अकारात्मक तरीके से जो है, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री जी और हमारे जो नेता हैं प्रदेश के वीरभद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में और आदरणीय हमारे अध्यक्ष हैं जो सुखविंदर सिंह ठाकुर जी, सभी ने पूरे पुरजोर के साथ जो है सरकार का विधानसभा के अंदर भी जो उनकी गलत नीतियां हैं उसका पूरा कठोरता के साथ जवाब दिया है। लखनपाल ने कहा कि आज प्रशासन के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की जमात खड़ी कर दी गई है, जो कि बीजेपी सरकार की मेहरबानी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बीजेपी और कांग्रेस के नाम दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इससे प्रशासनिक ढांचा भी गड़बड़ा रहा है। तो आज प्रशासन के अंदर भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अफसरों की उन्होंने एक जमात खड़ी कर दी है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति खड़ी हो गई है और ऑफिसर भी इसमें बड़े भारी चिंतित हैं कि उनको कैटराइज्ड कर दिया गया है कि ये बीजेपी के ऑफिसर हैं, ये कांग्रेस के ऑफिसर हैं, जबकि ऑफिसर जो हैं प्रशासन का जो हमारा ढांचा है वो जनता की सुविधाओं के लिए होता है, जनता की सेवाओं के लिए होता है, ना कि वो किसी पार्टी विशेष से चुनकर आते हैं। वो एग्जाम पास करके आते हैं, ऑफिसर बनते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक गंदी सोच के चलते एक कैटराइज्ड करने की कोशिश की जा रही है कि ये ऑफिसर हमारा है, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, उससे जो है एक प्रशासनिक ढांचा भी हमारा चरमरा गया है। केसीसी बैंक का जो बोर्ड भंग किया उसमें असंवैधानिक तरीके से, अभी सितंबर माह तक जो है कांगड़ा बैंक के जो चेयरमैन है उनका जो बोर्ड जो है वो सितंबर महीने तक जो है उसका कार्यकाल था, लेकिन प्रदेश सरकार को ये जल्दबाजी लगी हुई है कि किस प्रकार से जो है कांगड़ा बैंक के प्रबंधकों को जो है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, एक चुनी हुई संस्था को जो है किस प्रकार से भंग किया जाए और वहां पे अपने लोगों की ताजपोशी की जाए, और फिर जो है इस प्रकार से जो वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं।